बोकारो में टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन काफी सख्ती बरत रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी जिस तरीके से कोरोना के जो टीके जो लगने हैं, अभी लक्ष्य से 15 लाख बोकारो पीछे चल रहा है। जी मैं बात करता हूँ बोकारो की, जहाँ 20 लाख लगभग लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन अभी तक 5.5 लाख के ही आसपास लोगों को टीका मिल पाया है। और आप ये जान सकते हैं, अभी आपको ये भी हम आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का जो कोरोना काल में जो टीके लगाने हैं, उन टीके की स्कार्सिटी को देखते हुए जिला प्रशासन के तलवे चटक रहे हैं। और यही नहीं, बोकारो के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानियों का अब सबब बन गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बोकारो में जो टीकाकरण की जहां तक बात है कि जो टीका लगाने हैं, तो उनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बातें हो रही है, लेकिन अब आपको हम बता देते हैं कि जिस तरीके से करीब एक सप्ताह बाद मामूली डोज जो है कोविशील्ड के बोकारो में आए हैं, और अभी कोवैक्सीन ही दिए जा रहे हैं। हालांकि कुल कल 97 टीका केंद्रों पर टीकाकरण किए गए थे, लेकिन आज एक बार फिर टीकाकरण केंद्रों की संख्या में निरंतर कमी आई है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो है 17 टीका केंद्रों पर बोकारो में टीके दिए जा रहे हैं, जो विभिन्न ब्लॉकों में हैं और मुख्यालय को छोड़ करके। लेकिन इस तरह की अगर मैं बात अगर करूँ, आप पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग अभी से ही टीकाकरण केंद्र पर आ चुके हैं, और हम पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो लोग यहाँ आए हैं टीके के लिए, और टीके के लिए कितने जद्दोजहद करना पड़ रहा है, इस चिलचिलाती धूप में लोगों को कितना वेट करना पड़ता है। हम इन्हीं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इन लोगों को क्या परेशानी है। जी आपको कौन सा टीका लेना है, पहला या दूसरा है? पहला। पहला कितने दिन में आप नहीं ले पाए, कई बार आप आए और लौटना पड़ा आपको? देखिए प्लांट में चल रहा था, प्लांट में नहीं मिला, ये लोह नगरी है, और यहाँ कहा जा सकता है कि बोकारो स्टील के ही नाम से यहाँ बोकारो का पहचान भी है। जी आप बताएं जिस तरीके से आपको कितने बार आना पड़ा, या फिर आप किसके लिए आए हैं? नहीं, मेरा तो ऐसे सेकेंड डोज ड्यू है, 10 तारीख को ड्यू हुआ। मैं बहुत बार नहीं आऊँ, ये फर्स्ट बार ही आया हूँ, लेकिन अपना BSL में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ पर HRD डिपार्टमेंट में वो टीकाकरण हुआ करता था, जहाँ की वो बंद हो चुका है, डिस्कंटिन्यू कर दिया गया है। आखिर क्यों डिस्कंटिन्यू होने का पीछे कारण क्या है? कारण तो जानकारी मुझे भी नहीं है सही माइंड। देखिए बेशक ये कहा जा सकता है, ये बेशक कहा जा सकता है कि वहाँ टीका उपलब्ध नहीं है, जैसा कि मुझे जो जानकारी है कि वहाँ टीका उपलब्ध नहीं है, और जिसके कारण लोग जो हैं, अब BSL के कर्मचारी जो हैं, उनके लिए एक अलग विधि व्यवस्था भी बनाया गया था, प्लांट के अंदर भी टीका केंद्र बनाए गए थे। लेकिन अब जो है जिस तरीके से टीका की कमी को देखते हुए तमाम जो सेंटर जो हैं उनको, अधिकांश सेंटरों को बंद कर दिया गया है, और कुछ ऐसे सेंटर हैं जो यहाँ पुस्तकालय मैदान का, जो जहाँ तक मैं बात करूँ तो इस पुस्तकालय मैदान में भी एक ही सेंटर है, लेकिन यहाँ करीब 9 से 10 काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ विभिन्न तरह के टीके यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन दिए जा रहे हैं। जी आप बताइए। जी सर, हम 10 तारीख को हमको मैसेज आया टीका लेने के लिए, हमको सर का महीना होने जा रहा है, 90 दिन के बाद हम गए थे वहाँ सदर हॉस्पिटल में लिए थे, तो वहाँ बंद हो गया। यहाँ आने के बाद हम 10 तारीख को मैसेज आया, हमको आए यहाँ तो बोला कि कोविशील्ड नहीं है। इसके बाद मैं फिर बोला कि 15 तारीख को आप पता लगाइए, 15 तारीख को आए तो यहाँ कोई नहीं था, बंद था ही। 16 तारीख कोई कॉल पड़ा है तो आज हम आए हैं, देखिए आज मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए कई बार एक बात तो है कि इन्फॉर्मेशन देने वाला तो यहाँ होना चाहिए, एक भी व्यक्ति नहीं है, देख लीजिए इन्फॉर्मेशन देने वाला आके चुपचाप खड़े रहिए, कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो उसके ऊपर डिपेंड है। इनका आक्रोश सही है, और ये जो है लगातार जिला प्रशासन के द्वारा जो जिस तरह की जो सूचना नहीं दी जा रही है, जिससे लोग आते हैं। मैडम आप बताइए। हम तो सेकंड डोज के लिए आए हैं, उस बात आराम से भी हो गया था, अभी आज फर्स्ट बार है, देखिए कल तो हो गया, अच्छा से सुने सबको, अभी हम लोग को कब पड़ेगा। देखिए ये कहा जा सकता है सारे लोग इससे आते हैं। अब सवाल यह है कि थर्ड वेव जो है वो दस्तक दे चुका है, और थर्ड वेव के दस्तक दे देने के बाद लोग अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन एक तरफ कहता है कि हम थर्ड वेव से लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर किस संसाधन के बल पर, जब ये सरकार ये बताते, WHO भी इस बात को कह रहा है कि टीका जो है जो लोग ले लेंगे वो 99% सुरक्षित हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में जिन्हें टीका नहीं मिला है, यानी 15,000 जो लक्ष्य से जो पीछे हैं, उन 15,000 लोगों का, 15 लाख लोगों का क्या होगा? अब सवाल है,
आप बताइए जिस तरीके से जो टीकाकरण में जो जो लापरवाही बरती जा रही है या टीके नहीं है, आप सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या बोले सर, हम तो 3-4 बार यहाँ पे घूम के गए हैं कोविशील्ड के चलते, आज आए हैं आप देखे हैं फिर क्या भरा है, तो पहला डोज तो हम 4-5 को लिए हुए हैं दीजिए इतना। देखिए बेशक कहा जा सकता है कि टीका के लिए लोग काफी जदोजहाद कर रहे हैं और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक व्यक्ति टीका के लिए 4-4 बार 8-8 बार तक सेंटर पर आ रहा है, इसके बावजूद भी उन्हें टीका नहीं मिल पा रहा है। जी आप बताइए मैडम, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि संकट है, आप क्या कहेंगे? क्या स्लॉट बुक है आपका? ये है बुक, तो मेरा मैसेज गया कि 14 को लगेगा, 14 को नहीं आए, आज आए हैं, कुछ दिक्कत था। देखिए ये भी हम आपको बता दें कि जब तक स्लॉट बुक नहीं होगा तब तक आपको टीके नहीं मिलेंगे, और स्लॉट बुक कराने के बाद फिर आकर आप नंबर लगाइए, और नंबर लगाने के बाद टोकन लेना होगा, और जब टोकन लीजिएगा तभी आपको अंदर में टीके मिलेंगे। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताइए। दिल्ली दूसरा बार घूम रहे हैं सर, आप मैडम? हाँ मैं भी सेकंड ये डोज लेने आई हूँ, जबकि हम 3-4 दिन सप्ताह भर से हम अपना स्लॉट बुक कर रहे हैं, अब कि हो नहीं पा रही है, तो मैं सोची आज जाती हूँ, मैं 8 बजे से। बेशक कहा जा सकता है कि जो स्लॉट बुक कराने के बाद भी लोगों को टीका नहीं मिला, इनका तो दूसरा ही आरोप है कि स्लॉट बुक हो ही नहीं रहा। अब सवाल यह है कि मैंने कल सिविल सर्जन से भी इस संबंध में बात की थी, सिविल सर्जन साहब ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 6 बजे के आसपास स्लॉट की बुकिंग हो रही है और स्लॉट बुक कराने के बाद ही टीके मिलेंगे, चूँकि कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ अपने अपने मन से अगर जहाँ टीके दे दिया जाए, अगर मान लीजिए आप स्लॉट बुक नहीं करा तो वहाँ झगड़ा विवाद और फसा टाइप का होते रहा है। जी लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।